हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल इन दिस कंट्री। दे ऑल्सो नो अबाउट दैट, दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन। ये जो सारी चीजें जो मोदी सरकार करती है, ये ध्यान बटाने का, सिर्फ ध्यान मुद्दों से भंग करने का तरीका मात्र है। ये निर्णय केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है, आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको। आज के समय से और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं है उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। मेरी रियासत में इलेक्शन है, दूसरी रियासतों में नहीं है, मैं गिर जाता हूँ, फिर ये सदर का राज लगाएंगे उन पे, जब तो 5 साल दूसरा इलेक्शन आएगा, क्या मकसद है इसका? हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। इंडिया अलायंस आल्सो टोल्ड अर्लियर इटसेल्फ it is not at all practical in this country. One nation, one election is not at all practical in this country. आप कैसे करेगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? ये सारे शिगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, हमारा नहीं भटकेगा। ये निर्णय केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है, आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको। जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी बुरी तरीके से पिट रहे हैं, जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा को हार दिखाई दे रही है। और भाजपा को ये भी लग रहा है, मुझे जानकारी मिली है कि आरएसएस के शीर्ष चरणिंग कैंप में भी ये बात उभर के आई थी कि महाराष्ट्र और झारखंड भी हारने जा रहे हैं। आप तो सक्सेसिव एक के बाद एक राज्य में जो हार दिखाई दे रही है भाजपा को, उससे ध्यान हटाने के लिए और इस तरीके का प्रपंच रचा गया है। और ये दो हिसाब से भी, एक तो आज देश की राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ये पहले जब ऐसा चुनाव होते थे वो स्थिति आज नहीं है। आज कई जगहों मिली जुली सरकारें हैं, कई जगहों क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न मतों की सरकारें हैं, और उन सरकारों के अपने तरीके के एजेंडा हैं। आज के समय से और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। 4 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल रहेगा, और संविधान के उस प्रावधान का क्या होगा जो कहता है कि 6 महीने में आपको चुनाव कराना ही है रिक्त स्थान में? वो भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन हमको कराना है, तो अगर सरकार बीच में गिरती है तो 5 साल का क्रम टूट जाएगा, तो 5 साल हम नहीं बदल रहे। अब ये जो शेष समय के लिए, इसमें गवर्नर्स रूल या राष्ट्रपति शासन लगेगा। ब्रूट मेजोरिटी थी जब इन्होंने ये चीज लाई थी। मकसद क्या था? प्रेसिडेंट बनने का। प्रेसिडेंट आप देखना, जो मैं बात आपसे कहता हूँ यही करेंगे। ये इनको डेमोक्रेसी की तरफ नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, अनेकता में एकता, ये है भारत। केंद्र का चुनाव, राज्य का चुनाव एक बार हो तो उसके लिए पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। कल कोई राज्य में सरकार बनती है, फिर अकारण किसी कारण से वो सरकारें गिर जाती है, तो क्या उतने काल अवधि तक उन राज्यों में प्रेसिडेंट रूल रहेगा? हमें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है, और मैं बताता हूँ क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो, ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है।